अगर आप Amazon Prime पर फैंटेसी फिल्मों की सूची की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि आप सही जगह पर हैं। क्योंकि लॉकडाउन के कारण हर कोई अपने घर पर ही है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि आप OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देख रहे होंगे और फैंटेसी मूवीज देखना सबसे अच्छा चुनाव है। Amazon Prime पर 5 सर्वश्रेष्ठ फैंटेसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहा हूँ और साथ ही एंड में एक और मूवी के बारे में भी बताने वाला हूँ जो मुझे इन सबसे ज्यादा जबरदस्त लगी, जो है आपके लिए बोनस। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो ये रही टॉप फैंटेसी मूवीज ऑन Amazon प्राइम। ये सिर्फ एक लिस्ट है, इनमें से कोई भी पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर नहीं है। तो लिस्ट की पहली फिल्म है फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। You've known for 24 hours that an unregistered wizard set magical beasts loose in New York. Yes. Where is this man? ये फिल्म आपको मिलवाएगी न्यूयॉर्क के जादूगरों और जादूगरनियों की सीक्रेट कम्युनिटी से और एक ऐसे जादूगर से जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और उसने न्यूयॉर्क के सारे जादुई जानवरों को खुला छोड़ दिया है। I don't think I'm dreaming. Give it away. I ain't got the brains to make this up. सीक्रेट कम्युनिटी को अचानक सामने आना पड़ता है और फिर न्यूयॉर्क के आम इंसान और सीक्रेट कम्युनिटी के लोग आमने सामने आ जाते हैं। जादुई जीवों के चिड़ियाघर का मैनेजर ब्रिटिश न्यूट स्कामेंडर कुछ फरार जादुई प्राणियों को पकड़ने के लिए एक आम आदमी की मदद लेता है। फैंटास्टिक बीस्ट्स फ्रेंचाइजी में दो फिल्में हैं और ईमानदारी से बताऊं तो पहला पार्ट मुझे इसका बेहतर लगा। तो इस फिल्म को आप हिंदी में देख सकते हैं। I won't let another one die. I refuse to bow down any longer. दूसरी फिल्म है शज़ाम। You've run from foster homes in 6 counties. I can take care of myself. शज़ाम फिल्म उन बच्चों के लिए है जो जल्दी से बड़े होना चाहते हैं और उन बड़ों के लिए है जो बच्चे बनना चाहते हैं। इसकी कहानी वाकई हमारे दिलों में छुपे बच्चे को खुश कर देगी। फिल्म की कहानी एकदम सीधी और सरल है। एक लड़के में सुपर हीरो बनने की शक्ति आ जाती है। एक जादुई शब्द कहते ही वो सुपर हीरो बन जाता है। वो एक सुपर शक्तिशाली आदमी के शरीर में अभी भी लड़का ही है, लेकिन क्या होता है जब उसके साहस की परीक्षा होती है, मतलब कि क्या होता है जब एक आदमी के शरीर में बस एक लड़के को यह चुनना पड़ता है कि वो सही काम करे या आसान काम करे, और इसी सवाल का जवाब है इस फिल्म में। तो इस फिल्म को आप हिंदी में देख सकते हैं। तीसरी फिल्म है एक्वामैन। एक्वामैन हमें अटलांटिस के पानी के नीचे की काल्पनिक दुनिया में ले जाती है। एक्वामैन एक सुपर हीरो की कहानी है। फिल्म के एक्शन सीन्स बहुत जबरदस्त हैं, सुपर भयंकर अंडर वाटर CG मस्त हैं और जेसन मोमोआ को एक्वामैन के रूप में एकदम परफेक्ट लगते हैं। मतलब सच पूछो तो ऐसा लगता है कि अब उन्हें और किसी रोल में हम शायद नहीं देख पाएंगे या पचा नहीं पाएंगे देखने के बाद। तो ये फिल्म भी आप हिंदी में Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। चौथी फिल्म है वैन हेल्सिंग। माय लाइफ, माय जॉब, माय कर्स इज टू वैंक्विश ईविल। नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन। वैन हेल्सिंग एक वैम्पायर स्लेयर है, यानी खून चूसने वाले पिशाचों के शिकारी। वैन हेल्सिंग के रोल में फिल्म में आपको ह्यू जैकमैन नजर आते हैं। फिल्म की कहानी वैन हेल्सिंग के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसका काम है काउंट ड्रैकुला को उसकी एक खतरनाक बुरी योजना को अंजाम देने से रोकना। इसी के लिए उन्हें ट्रांसिल्वेनिया भेजा जाता है। ड्रैकुला के किरदार में रिचर्ड रॉक्सबर्ग परफेक्ट लगे हैं। वैसे मैंने काफ़ी साल पहले ड्रैकुला की एक फिल्म देखी थी, तो दो दिन तक मैं प्लास्टिक वाले नकली दांत लगा के घूमता रहा। और फिल्म देख के आप भी बताना कि आपका फेवरेट करेक्टर इनमें से कौन सा है। पांचवी फिल्म है द ममी। सच पूछो तो ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि द मम्मी 1999 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म के विजुअल इफ़ेक्ट्स आज पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, लेकिन इस फिल्म में सब कुछ वाकई ज़बरदस्त था।
ये एक एक्शन एडवेंचर है जिसका आपको वाकई बहुत मज़ा आने वाला है। इस फ्रेंचाइजी की पहली दो फिल्में मस्त हैं, द मम्मी और द मम्मी रिटर्न से, लेकिन तीसरी फिल्म में सच पूछो तो मम्मी ठीक से रिटर्न हुई नहीं। आप प्राइम वीडियो पर पहली दो फिल्मों का आनंद ले सकते हैं, आपको दोनों फिल्में हिंदी में मिल जाएंगी। और अब बोनस टाइम, और इस बोनस फिल्म का नाम है तुम्बाड़। तुम्बाड़ में क्या है? वो देव वही सोजा वरना हस्तराज है, नाम लेने से भी आता है क्या? सच पूछो तो मैंने इससे ज़्यादा ज़बरदस्त हॉरर फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं देखी, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखो, लेकिन उससे पहले कोई ऐसा वीडियो मत देखना जिसमें फिल्म की सारी कहानी बताई गई हो। आपको इस फिल्म का पूरा मज़ा तभी आएगा जब आपको इस फिल्म की कहानी का कुछ भी नहीं पता होगा। फिल्म में जो बारिश दिखाई गई है वो रियल बारिश है, जो लोकेशंस दिखाई गई हैं वो रियल लोकेशन है। फिल्म को शूट करने में 6 साल लगे थे और IMDb पर इसकी रेटिंग 8.3 है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो दोस्तों मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आप तुम्बाड़ जरूर देखो, और अगर देखी है तो मुझे बताओ कि आपके हिसाब से इसे कितने और कौन कौन से अवार्ड्स मिलने चाहिए थे। मेरे हिसाब से ये अब तक की सबसे ज्यादा अंडररेटेड फिल्म्स की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। तो दोस्तों जो भी दिल में है इस फिल्म के बारे में फटाफट नीचे कमेंट करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक भी कर दो दोस्तों, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और जब तक आप मेरे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते हैं तब तक के लिए बाय।